हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अर्न एकेडमी पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सब लोग लाइव बजे ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। जय हिंद जय हिंद। अगर मैं सभी को विजिबल ऑडिबल साउंड सभी को क्लियर है फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, फिर क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कंप्लीट मैं आप लोग के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉक टेस्ट के लिए, जो कि आपका यूजफुल होगा किसके लिए, आईबी एग्जामिनेशंस और साथ साथ में एफकेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस मॉक टेस्ट के थ्रू आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या डिस्कशन करेंगे, तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू आज हम लोग करंट अफेयर्स और प्लस कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आईबी और एफकेट के एग्जामिनेशन में आज पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद सभी को, ऑडिबल सभी को। तो मेरे बारे में नाम जान लीजिए, मेरा नाम विक्रांत पुंडीर है। मैंने सीडीएस एफकेट और एनडीए जैसे एग्जाम क्लियर करके 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट कमेंट और 1500 प्लस सब्जेक्ट जब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दीज आर द डिफरेंट चैनल फॉर अनअकैडमी, आप इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं करना कि आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए एफकेट सीडीएस और सीएपीएफ, और वहां पर सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुंडीर। ये सब चीज आप करेंगे तो आप लोग क्लासेस को लाइव देख सकते हो, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो आप 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस एज एक्सपेक्टेड 7,920 और 11,520 आपको दिखाई देगी। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन कोर्स पर कंप्लीट जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ पढ़ने के लिए मिल सकता है, प्लस साथ साथ में एसएसबी बोर्ड की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपको करने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर आपको नो कॉस्ट एमआई, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन कोर्स पर। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलने वाली है एक ही सब्सक्रिप्शन कोर्स से। तो आपको बस यूज करना है कोड VKPLive इन कैपिटल लेटर और इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उस कोड के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लगाती है। तो चलिए बच्चे फटाफट कमेंट कर दीजिए, सभी लोग तैयार आज के सेशन को स्टार्ट करें। डज ऑल ऑफ यू आर रेडी? फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर विजिबल सब कुछ क्लियरिटी, आपको सब कुछ क्लियर है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय हिंद राकेश भट्ट, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए भाई बिल्कुल सेशन स्टार्ट करते हैं, काफी इंपोर्टेंट सेशन आज आपका रहने वाला है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो चलिए रेडी सभी लोग? सोनिया माथुर यस सर, मनीष कटारिया यस सर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। एसएन कंजर्वेशन साइट विच हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रैमसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी हाल फिलहाल में एसएन कंजर्वेटेड साइट जिसको रैमसर साइट में लोकेटेड किया गया है वो किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर झारखंड? फटाफट बताइए इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर झारखंड? फटाफट बताइए, व्हाट वुड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन? किस स्टेट में ये असन कंजर्वेशन साइट जिसको रैमसर साइट में डिक्लेयर किया गया? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ठीक है हिमाचल प्रदेश, ठीक है सोनिया माथुर कह रहे हैं सर हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है बिल्कुल देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, नॉट हिमाचल प्रदेश। ये असन कंजर्वेशन साइट जिसको रैमसर साइट में इंक्लूडेड किया गया ये आपकी उत्तराखंड में लोकेटेड है, इट इज नॉट लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है अंकुश कुमार जैन, जैन शुभम कुमार सी, बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है बच्चे द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आप लोग के स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। जेसिंडा एडर्न वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन अक्टूबर 2020, What is the name of her political party? तो ये किस political party से आती है जेसिंडा एडर्न, ये आपको बताना है। लेबर पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड, नेशनल पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड, ग्रीन पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड या फिर कंजर्वेटिव पार्टी? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू? जेसिंडा एडर्न है, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू? लेबर पार्टी, ठीक है लेबर पार्टी, सोनिया माथुर लेबर पार्टी, ऋषभ राज ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल जेसिंडा
एडर्न की बात करते हैं, ये अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए न्यूजीलैंड का। बिल्कुल, अगर बात करते हैं किस पार्टी से आते हैं तो लेबर पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड से आते हैं। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। Which state has become the first in the country to fix MSP for vegetables? कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने MSP for vegetables फिक्स किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर केरला? फटाफट बताइए, what would be the answer of question number 3? What would be the answer of question number 3? Which state has become the first in the country to fix MSP for vegetables? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर केरला? What would be the answer of question number 3? शुभम कुमार केरला, अंकुश कुमार केरला, राकेश भट्ट, डी केरला। ठीक है, बिल्कुल सही, केरला ही फर्स्ट राज्य बन गया जिसने एमएसपी फॉर द वेजिटेबल्स सबसे पहले डिक्लेयर किया। बिल्कुल सही, थ्री का आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। शशिधर जगदीशन इज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ? फटाफट बताइए। शशिधर जगदीशन इज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? सोनिया माथुर कह रहे हैं सर एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राकेश भट्ट सर डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सिस बैंक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एचडीएफसी बैंक। ठीक है बच्चे, द करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग के स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन अक्टूबर नवंबर 2020? आपको बताना है इसमें से कौन सा विजिलेंस अवेयरनेस वीक था, ठीक है, ऑब्जर्व हुआ था, जो उसकी थीम क्या थी? तो विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, विजिलेंट इंडिया प्रोग्रेसिव इंडिया, विजिलेंट इंडिया वाइब्रेंट इंडिया, विजिलेंट इंडिया विश्व गुरु इंडिया। फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? ए, ठीक है, अंकुश कुमार कह रहे सर ए इज द करेक्ट आंसर, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। ठीक है, शुभम कुमार ए, ऋषभ राज ए, बिल्कुल सही, द आंसर इज विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग की स्क्रीन पर है, विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिलीज बाय द फोर्ब्स इंडिया कंपनी? इसमें से किस कंपनी ने टॉप किया था वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिलीज बाय द फोर्ब्स इंडिया कंपनी? सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या फिर एप्पल? व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स? फटाफट बताइए। ठीक है, ए ए ए ए, बिल्कुल सही, सैमसंग इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो कौन सी कंपनी ने टॉप किया था वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर फोर्ब्स मैगजीन ने जो रिलीज किया था? बिल्कुल सही, सैमसंग इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग के स्क्रीन पर क्या कहता है, Which of the following institute has developed the low-cost COVID-19 diagnosis procedure, CoviRap? तो ये कहता है low-cost COVID-19 diagnosis procedure, CoviRap, किसने institute ने लॉन्च किया? AIIMS, New Delhi, IIT Delhi, IIT Kharagpur, ISC Bangalore? What would be the answer? फटाफट बताइए। AIIMS, New Delhi, IIT Delhi, IIT Kharagpur या ISC Bangalore? फटाफट बताइए। What would be the answer of question number seven? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। फटाफट बताइए, लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोसिस प्रोसीजर कोविरैप किसने लॉन्च किया? फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर सेवन। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, सोनिया माथुर, शुभम आईआईटी दिल्ली, राकेश भट्ट कह रहे हैं सर आईआईटी बी, विवेक बी, डी बी बी, बिल्कुल द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन इज आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोसिस प्रोसीजर कोविरैप लॉन्च किया है। सो आंसर वुड बी आईआईटी खड़गपुर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, व्हिच ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ यूएनओ हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2020? इसमें से कौन सी यूएनओ की ब्रांच जिसको नोबेल पीस प्राइज 2020 देगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फटाफट बताइए। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन सी ऑप्शन है,
यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम या फिर यूएन पॉपुलेशन फंड, किसको नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया, फटाफट बताइए। फूड प्रोग्राम अंकुश कुमार कह रहे हैं सर, फूड प्रोग्राम ऋषभ राज बी, अंकुश कुमार बी, ठीक है बच्चे, फूड प्रोग्राम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बी 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 बी, बिल्कुल सही, द आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये दिया गया, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2020, इसमें से किसने फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2020 जीता है, ईगा स्वीटेक, सोफिया केनिन, नाडिया पोडोरस्का या फिर पेट्रा क्विटोवा, फटाफट बताइए व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ईगा स्वीटेक, सोफिया केनिन, नाडिया पोडोरस्का या फिर पेट्रा क्विटोवा, बिल्कुल 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 नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहता है भानु अथैया who passed away recently won the first Indian to win Academic Award. She was awarded the Oscar for, फटाफट बताइए, Oscar, ये जो भानु अथैया थी इंडिया की पहली थी जिनको Academic Award मतलब Oscar Award मिला था, किस चीज के लिए, फटाफट बताइए, कोरियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए या फिर म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, What would be the answer of question number 10? फटाफट बताइए। शुभम कार्य सुमार कह रहे सर 10 का आंसर सी है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, ठीक है बच्चे। बाकी लोग सुमित ठाकुर सी, सोनिया माथुर ए, ठीक है, शुभम कुमार सी, द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इंडिया का सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया जी ने जीता था और ये कॉस्ट्यूम के लिए था और इनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, सो आंसर वुड बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट सीडलिंग ऑफ एसाफोरेटा इन इंडिया प्लांटेड बाय CSIR IHBT इन अक्टूबर 2020। एसाफोरेटा की सीडलिंग सबसे पहली बार इंडिया के अंदर CSIR के द्वारा प्लांटिंग की गई थी, किस स्टेट में, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है बिल्कुल, शुभम कुमार कह रहे हैं सर डी हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 11 का डी कह रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग विवेक ए, राकेश भट्ट डी, ठीक है बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, डी हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। तो ऐसा फोडिटा की इंडिया के अंदर सबसे पहले प्लांटिंग स्टेट में की जा रही है, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पर, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज वाज नेवर हेल्ड बाय श्री राम विलास पासवान ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल करियर। राम विलास पासवान जी का अभी, ठीक है, देहांत हुआ था, बिल्कुल, तो ये पूछ रहा है राम विलास पासवान जी ने इसमें से कौन सी पोर्टफोलियो मतलब किस मंत्रालय को नहीं हेल्ड किया है, रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन, डिफेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, इसमें से किस पर कभी भी पद नहीं आया, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, किस मंत्रालय के अध्यक्ष हेड नहीं रहे हैं रामविलास पासवान, रेलवे, कम्युनिकेशन, डिफेंस या फिर लेबर मिनिस्टर, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। शुभम कुमार कह रहे हैं सर डिफेंस मिनिस्टर कभी नहीं रहे 12 में, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखते हैं, शुभम कुमार सी, ऋषभ राज सी, राकेश भट्ट सी, सोनिया माथुर डिफेंस, सुमित ठाकुर सी, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज रेलवे, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, रेलवे नहीं रहे कभी, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज नेवर हेल्ड, जो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिए क्या कहता है।
Which of the following international organization halted its program in India? इसमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया, हेल्टेड मतलब रोकना, आफ्टर इट्स बैंक अकाउंट वर फ्रोजन, जब उसका खाता फ्रोजन मतलब सीज हो गया था इंडिया के अंदर। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल या फिर ऑक्सफैम इंटरनेशनल, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ऋषभ राज कह रहे हैं सर एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना बंद कर दिया इंडिया के अंदर जब से उसका खाता स्क्वीज हुआ है, ठीक है बिल्कुल। सुमित कुमार ने स्किप कर दिया। निधि सिंह कह रहे सर ए इज द करेक्ट आंसर, ऋषभ राज एमनेस्टी, अजय कह रहे डिफेंस, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन, फटाफट बताइए व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट। द करेक्ट आंसर इज ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने अपने प्रोग्राम को हेल्ड कर दिया इंडिया के अंदर जब से उसका अकाउंट सीज हुआ है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। आईआरसीटीसी हैज टाइड अप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर मेकिंग टिकट अवेलेबल टू इट्स कस्टमर्स। IRCTC ने टाइड अप किसके साथ किया गया है, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाइड अप किया गया है ताकि टिकट अवेलेबल हो जाए इसके कस्टमर्स को, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन या फिर मिंत्रा, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, किसके साथ टाइज अप किया, फटाफट बताइए। IRCTC ने, अजय कह रहे हैं ब्रजवासी सर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई अजय। निधि सिंह सी, सी सुमित ठाकुर, विवेक ए, राकेश भट्ट सी, शुभम सी, मतलब अमेजन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अमेजन के साथ, अमेजन के साथ किया गया या मिंत्रा के साथ किया, बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज अमेजन, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, एक मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है चलिए नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। INS सिंधुवीर अ सबमरीन इन इंडियन नेवी वाज डिलीवर्ड, ठीक है, अ सबमरीन इन इंडियन नेवी वॉज डिलीवर्ड बाय इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार। INS सिंधुवीर एक सबमरीन है इंडियन नेवी की, वॉज डिलीवर्ड बाय इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या फिर म्यांमार, फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सिंधुवीर नाम की सबमरीन, उज्ज्वल ठीक है, भारद्वाज, ऋषभ राज डी, विवेक डी ठीक है, शुभम कुमार डी, निधिर डी, म्यांमार, 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 बिल्कुल सही, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज म्यांमार इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहता है। इन अक्टूबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द रूपीज 75 कॉइन टू commemorate the 75 years of which of the following organization? अभी अक्टूबर 2020 के अंदर भारतीय गवर्नमेंट ने 75 रुपए का कॉइन रिलीज किया गया था, किसकी 75 साल पूरे होने पर, किस ऑर्गेनाइजेशन के, FAO, WHO, UNO या फिर FIFA? What would be the answer of question number 16? 75 रुपए का कॉइन, फटाफट बताइए। किसके 75 वर्ष अभी पूरे हुए हैं हाल फिलहाल में, फटाफट बताइए, बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज यूएनओ, बहुत बढ़िया है, ठीक है बिल्कुल यूएनओ के, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिए। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स वाज मिस शोभा नायडू एसोसिएटेड, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। शोभा नायडू किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम, उड़ीसा, कथक या फिर कुचिपुड़ी, 17 का आंसर बताइए।
शोभा नायडू, भरतनाट्यम, ठीक है। ठीक है, 17 का एक राकेश बाज, ठीक है ठीक है ठीक है। शोभा नायडू इज एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रैंक्ड बिलो इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर कौन सी कंट्री इंडिया से नीचे रैंक्ड हुई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? कौन सी कंट्री रैंक्ड बिलो इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? फटाफट बताइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान? दी 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 दी, बिल्कुल बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। इन सब की रैंक इंडिया से अच्छी है और बिलो में आंसर है अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल 18 का आंसर अफगानिस्तान। चले बहुत बढ़िया, बिल्कुल इंडिया 94 पे है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। With the French Open 2020, how many French Opens men's single title has Rafael Nadal won in his career? Rafael Nadal ने कितने French Open career अपने अपने career में जीते हैं? 10, 11, 12 या 13? फटाफट बताइए। Rafael Nadal ने कितने French Open जीते हैं? 10, 11, 12 या 13 अपने career में? 19 का बताइए। ठीक है, 19 का सी 12, ठीक है। सुमित ठाकुर 12, अजय ब्रजवासी 12, विवेक 12, ठीक है। राकेश बट 12, सोने माथुर 12, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज 12, सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अपने कैरियर में 12 फ्रेंच ओपन जीते हैं, अब तक आपको याद रखना है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग? बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की किताब का ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, राजकमल झा, शशि थरूर या फिर अरविंद अडेगा? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैटल ऑफ बिलोंगिंग के ऑथर कौन है? अनुरुद्धति रॉय, राजकमल झा, शशि थरूर या फिर अरविंद अडेगा? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बताइए बच्चे। अंकुश कुमार, शशि थरूर, ठीक है शशि थरूर, अंकुश कुमार सी, शशि थरूर, शुभम कह रहे सर, राजकुमार झा, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज अ बुक ऑफ शशि थरूर, द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के स्क्रीन पर है। द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज नेम्ड? सबसे पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया उसका नाम क्या है? सक्षम, रुद्रम, वेगम या सूर्यम? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21st का आंसर बताइए। फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम, 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 बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज रुद्रम इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 21st का आंसर इज बी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, रुद्रम। बिल्कुल नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। व्हिच कंट्री टेस्ट फायर्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल नेम ट्रिस्कॉन? ट्रिस्कॉन नाम की हाई सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड मैक 8 मतलब 8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना मतलब 8 × 332 मीटर पर सेकंड से जो मिसाइल चलती है वो मिसाइल किसने लॉन्च किया है? चाइना, यूएसए, रशिया या फिर फ्रांस? 22 का आंसर बताइए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22? फिर कौन? फटाफट। सुमित ठाकुर रशिया, 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 रशिया। ठीक है चल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड? कौन इसमें से सबसे पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना है इंडियन रेलवे बोर्ड का?
अश्वनी लोहानी, विनोद कुमार यादव, एके मित्तल या फिर विनय मित्तल? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। अश्वनी लोहानी, विनोद कुमार यादव, एके मित्तल या फिर विनय मित्तल? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट बताइए। 23 का आंसर बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23? ठीक है, बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज अश्वनी लोहानी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 23 का आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, अश्वनी लोहानी। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर, अश्वनी लोहानी। ठीक है बच्चे, अश्वनी लोहानी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग की स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और आंसर लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेल्ड द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जोल्फ़ंगहार 99 इन सितंबर 2020? पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब या फिर ईरान? ये मिलिट्री एक्सरसाइज जोल्फ़ंगहार 99 नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश ने कंडक्ट की थी? पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरबिया या फिर ईरान? फटाफट बताइए। 24 का आंसर जुल्फागर। 24 विवेक कह रहे सर ओमान, ठीक है। उज्जवल बर्दवाश सर डी ईरान, ठीक है। ईरान ईरान, अजय बी, शुभम कुमार बी, ओमान, डोंट नो सर। द करेक्ट आंसर इज ईरान। करेक्ट आंसर इज ईरान इज द करेक्ट आंसर, ईरान इज द करेक्ट आंसर। 24 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग की स्क्रीन पर है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार, ठीक है, हैज द सेटिंग अप ऑफ एम्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? इसमें से किस सिटी बिहार की अभी एम्स को बनाने की परमिशन मिल गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा? दरभंगा, गया, भागलपुर या फिर पूर्णिया? फटाफट बताइए। 25 का आंसर बताइए, कहां पर परमिशन मिल गई है? दरभंगा, गया, भागलपुर या फिर पूर्णिया? फटाफट बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट बताइए। एम्स की परमिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन विच सिटीज ऑफ बिहार? दरभंगा, गया, भागलपुर या फिर पूर्णिया? गया, ठीक है। अंकुश कुमार कह रहे हैं सर गया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सुमित कुमार बी गया, सोने माथुर गया, गया, अजय ब्रजवासी सी, उज्जवल भारद्वाज ए, शुभम कुमार ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज नॉट गया, भागलपुर, भागलपुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ध्यान से देखिए और आंसर लगाइए। Who of the following has been nominated as the President of Film and Television Institute of India, Pune? इसमें से किसको अभी हाल फिलहाल के अंदर आपका President of Film and Television Institute of Pune का नियुक्त किया गया है? शेखर सुमन, अनुपम खेर, प्रवेश रावल या फिर शेखर कपूर? फटाफट बताइए। What would be the answer of question number 26? फटाफट गई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, प्रवेश रावल को भी हाल फिलहाल में IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। करेक्ट आंसर इज प्रवेश रावल। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल ध्यान से लिखिए और आंसर लगाइए। श्री सुरेश अंगाड़ी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वेट स्टेट, डिफेंस, होम मिनिस्टर्स, रेलवे या फिर ट्रिबल अफेयर्स? किस मिनिस्ट्री के हेड थे? फटाफट बताइए। श्री सुरेश अंगाड़ी, डिफेंस, होम मिनिस्टर, रेलवे या फिर ट्राइबल? फटाफट बताइए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27? फटाफट बताइए। फटाफट बताएं बच्चे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स 4 किसके लिए?
बताए भाई, आंसर करो फटाफट। रेलवेज जी, ट्राइबल अफेयर्स। बिल्कुल बताइए बताइए। बिल्कुल ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट हैज बीन रीनेम्ड एज बिली जीन कप, बिली जीन किंग कप? इसमें से किस टेनिस टूर्नामेंट को रीनेम किया गया नाम बिली जीन किंग कप? डेविस कप, फेडरेशन कप, ओपमैन कप या फिर यूएस कप? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28? फटाफट बताइए, 28 का आंसर। What would be the answer of question number 28? फटाफट। Federation Cup, Federation Cup, Federation Cup। बिल्कुल। Correct answer is Federation Cup। ठीक है? बिल्कुल। Federation Cup। बहुत बढ़िया। चलिए next। Question number 29 आप लोग के स्क्रीन पर है। Who of the following has won the US Open Men's Single Title 2020? Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal या फिर Alexander Zverev? फटाफट बताइए, किसने US Open Men's Single Title 2020 जीता है? Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal या फिर Alexander Zverev? 29 का आंसर बताइए। US Open Men's Single 2020 टाइटल। फटाफट बताइए 29। शुभम कुमार कह रहे सर ए, ठीक है। निधि सिंह ए, द करेक्ट आंसर इज डोमिनिक थीम। ठीक है बच्चे, किसने जीता है? डोमिनिक थीम। अलेक्जेंडर जेवरेव रनर अप रहे हैं, द विनर इज डोमिनिक थीम। ठीक है बच्चे, 29 का ए इज द करेक्ट आंसर, समझे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन? प्रशांत भूषण, अंधुधि रॉय, सुधा भारद्वाज या फिर जावेद अख्तर? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, ऑथर कौन था आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नाम की किताब का? फटाफट बताइए। नहीं बच्चे, US Open 2020 राफेल नडाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल अंकुश कुमार बी, ठीक है। पूजा भंडारी बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही। 30 का करेक्ट आंसर इज बी, अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग के स्क्रीन पर है। INS विराट वॉज बीन रिसेंटली टर्न अवे फ्रॉम द शिप ब्रेकिंग, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इन ब्रिटिश नेवी बिफोर इट्स परचेज बाय द इंडिया? HMS Harrier, HMS Hercules, HMS Holmes या फिर HMS Hermes? फटाफट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31? INS विराट का पुराना नाम, जब इसको ब्रिटेन से, ब्रिटिश नेवी से खरीदा गया था, उसका पुराना नाम क्या है? फटाफट बताइए। INS Harrier, INS HMS Hercules, HMS Holmes या फिर HMS Hermes? फटाफट 31।
फटाफट बताइए बच्चे। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज HMS Hermes इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बिल्कुल HMS Hermes इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन हैज बीन रिसेंटली रिनेम्ड श्री सिद्धारोदा स्वामी जी, बिदर, हुबली, बेलगाम या फिर गुलबर्गा? किसको रिनेम किया गया है, किस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारोदा स्वामी जी नाम रखा गया? बिदर, हुबली, बेलगाम या फिर गुलबर्गा? फटाफट दे 32 का आंसर बताइए। What would be the answer of question number 32? Hubli. ठीक है बिल्कुल बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज Hubli इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, चलिए एक लास्ट कर लीजिए। Who was the rank of India? What was the rank of India in Global Innovation Index 2020 released by the World Intellectual Property recently? 48, 46, 52 या फिर 42? फटाफट बताइए। Rank of India released in 2020 released by the WIPO? फटाफट 48, 40, 52 या 42? 33 का आंसर बताइए। फटाफट बताइए व्हाट वुड बी द रैंक। एक मिनट देना। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज 48 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया शाबाश 48 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बस आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं ठीक है। कल फिर मिलेंगे 7 PM पर, कल ज्यादा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे ठीक है। कल क्लास थोड़ी लेंथी होगी ठीक है, आई हैड सम वर्क, अभी थोड़ा क्लास बंद करनी पड़ेगी, एंड करना पड़ेगा, इमीडिएट कुछ वर्क है। तो कल हम लोग क्लास करेंगे सेम टाइमिंग पर 7 PM पर, कल क्लास विल बी लेंथियर ठीक है, कल क्लास थोड़ी बड़ी होगी, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं ठीक है। कल आपकी जो क्लास होगी वो थोड़ी लेंथी होगी, बड़ी होगी ठीक है बच्चे। तो कल मोस्ट प्रोबेबली 1 hour 30 minutes डेढ़ घंटे की कल हम लोग क्लास लेंगे ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा बच्चे ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए ठीक है। चलिए कल करेंगे, कल करेंगे ज्यादा बड़ी क्लास ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू।